हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज फिर से मेरे चैनल पे आप लोगों का बहुत स्वागत है। और आज मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में आप लोगों के पास आया हूँ। और आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं एक फैक्ट के साथ आप लोगों के पास आया हूँ। दिस फैक्ट वॉज वाई वी फीलिंग सो थर्स्टी आफ्टर ईटिंग आइसक्रीम। इस फैक्ट में आज मैं बात करने जा रहा हूँ। और बिना देर किए डोंट वेस्ट योर टाइम, लेट्स बिगिन। सो आप लोगों को तो पता ही होगा है ना, गर्मी का मौसम तो आ चुका है। और सभी लोग को, विशेष ज़्यादातर बच्चे को बहुत ठंडा खाने का मन करता है, और जवान को। और इस टाइम में बहुत आइसक्रीम अथवा बहुत मीठा चीज़, शुगर एडेड चीज़, आइसक्रीम खा लेता है। और अभी तो पैंडेमिक के वजह से घर पे ही बना के खा रहे हो गए आप शायद। सो घर से बाहर भी ना निकले, क्योंकि इस टाइम बहुत पैंडेमिक सिचुएशन है, और घर पे ही बना के खाए। और ये आइसक्रीम खाने के बाद क्यों बहुत प्यास लगता है, इस पे आज मैं एक फैक्ट लेके आया हूँ। और ये सभी फैक्ट जानने के लिए वीडियो स्किप ना करें, एंड तक जरूर देखें। सो फर्स्ट थिंग, ये जब ये मीठा चीज़ और शुगर एडेड चीज़ हमारे बॉडी में जाता है, और इस ये शुगर एडेड जब ब्लड स्ट्रीम में शुगर एंटर करता है, तो हमारा जो वाटर लेवल होता है ब्लड स्ट्रीम का, ब्लड फ्लो का, वहाँ पर एंटर करने साथ वो शुगर पार्टिकल्स हमारा वाटर सब कंज्यूम करता है। और इसलिए हमारे बॉडी में वाटर कमी होने की वजह से बहुत प्यास लगता है। और एक तो आइसक्रीम में ज़्यादातर सोडियम होता है, और उसके वजह से और हमारे बॉडी में पानी का लेवल लो कर देता है। और इस वजह से हम जब भी मीठा चीज़, स्वीट डिश जब भी खाते हैं, उसके बाद तुरंत हमको बहुत प्यास लगता है। और इसलिए जब भी आप लोग आइसक्रीम पार्टी और करने जाए, तब वाटर बॉटल लेके जाना मत भूलना। और वाटर खाना बहुत ज़रूरी है, और पानी पीना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्वियसली आइसक्रीम खाने के बाद हमारे बॉडी का वाटर लेवल कम हो जाता है, और बहुत ब्लड स्ट्रीम में बहुत पानी कम होता है, और इसलिए ज़्यादातर प्यास को झेलना पड़ता है। और इन्जॉय योरसेल्फ, सो बॉटल, पानी का बॉटल लाना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आने वाले दिन में और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊँगा। सो तब तक के लिए थैंक यू।